तालिबान ये ऐलान कर चुका है कि अब अफगानिस्तान में पत्ता भी हिलेगा तो उसकी मर्जी से। दुनिया भी अब ना चाहते हुए तालिबान राज को स्वीकार करती जा रही है। अमेरिका के निकलते ही तालिबान ने जश्न मनाया कि वो जीत गया है, लेकिन क्या असली में तालिबान जीता है, इस वीडियो में आपको बताते हैं। अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर अब तालिबान है। तालिबान के लड़ाके अब घर में घुस घुस कर अपने विरोधियों को मौत के घाट उतार रहे हैं, सरेआम फांसी दे रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में आज भी 3600 किलोमीटर का वो इलाका मौजूद है जो तालिबान के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं है। ये वो इलाका है जिस पर दुनिया की कोई महाशक्ति भी कब्जा नहीं कर पाई। अब यही इलाका तालिबान की इस जीत को पूरा नहीं होने दे रहा। ये इलाका है पंजशीर का। अमेरिका के निकलते ही तालिबान ने सबसे पहले इसी इलाके पर धावा बोला और यही अपनी सबसे बड़ी गलती भी कर दी। अफगानिस्तान अपनी जीत को पूरा करने के लिए इस इलाके पर कब्जा तो करने गया था, पर वहां पर मौजूद अहमद मसूद के नेतृत्व में लड़ने वाली नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के मंसूबों पर ब्रेक लगा दिया। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच 30 अगस्त से जबरदस्त जंग चल रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस जंग में तालिबान को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इस जंग में नॉर्दर्न अलायंस ने 115 से ज्यादा तालिबानी आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा नॉर्दर्न अलायंस ने 35 से ज्यादा तालिबानी आतंकियों को बंदी बनाने तक का भी दावा किया है। इस भीषण जंग में तालिबान ने पंजशीर में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया है। आपको बता दें कि नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद और खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्ला सालेह ने अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से ही आतंकी शासन के खिलाफ खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। ये वो नेता है जो अफगानिस्तान में आज भी अपने लोगों और अपनी जमीन के प्रति ईमानदार हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और तालिबान के राज पर अमरुल्ला सालेह ने एक ट्वीट किया, अफगानिस्तान पैक होकर आखिरी अमेरिकी सैनिक के बैग में नहीं चला गया, देश यही है, नदियां और खूबसूरत पहाड़ भी यही है। लोग तालिबान का राज नहीं चाहते हैं, इसलिए लोग उनसे भाग रहे हैं। अगर एक सुपर पावर मिनी पावर बनना चाहता है तो ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तालिबान को सीधी टक्कर देने वाले अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह कब तक टिके रहेंगे, क्योंकि तालिबान के पास तो ना अब हथियारों की कमी है और ना ही लोगों की, क्योंकि ये दोनों ही चीजें उसे अब पाकिस्तान दे रहा है। दुनिया भी देख रही है कि किस तरह से पंजशीर अभी भी एक उम्मीद की तरह चमक रहा है। सोशल मीडिया पर अब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है कि पंजशीर को बचाना होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पंजशीर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिले तो वो तालिबान को घुटनों पर ला सकता है। तालिबान किसी भी तरह से पंजशीर को अपने कब्जे में लाना चाहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान के रास्ते में कोई नहीं आ सकता। पंजशीर कितना ताकतवर है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे अफगानिस्तान को कुछ ही दिनों में कब्जाने वाला तालिबान पंजशीर की नॉर्दर्न अलायंस से आत्मसमर्पण की अपील कर रहा है। तालिबान शांति राग अलाप रहा है। तालिबान के अमीर खान मुताकी ने एक ऑडियो संदेश जारी करके कहा है कि वो अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं और मसला बिना लड़ाई किए सुलझाना चाहते हैं। उन्होंने पंजशीर के लड़ाकों को समर्पण करने की अपील भी की है, लेकिन पंजशीर की नॉर्दर्न अलायंस ने ऐलान किया है कि वो तालिबान के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.